सबके लिए स्वागत है। देखिए छात्र, हमारे जो देश को हमें क्या कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं ना। देखिए इसलिए मातृभूमि नामक एक कविता जो आप पढ़ाई के लिए है, इस मातृभूमि नामक जो कविता पढ़ाई के लिए, मातृभूमि कविता के कवि का नाम है भगवती शरण वर्मा जी। तो हमें भगवती शरण वर्मा जी के बारे में पहले हम जानकर बाद में रचना किया हुआ मातृभूमि कविता पाठ के ऊपर चलेंगे। तो छात्र हमें तुम्हारे पास रह गए सब किताबों को दिखा दिए, दिखा कर मातृभूमि कविता पाठ को पढ़ने के लिए और उनमें आने वाले कवि परिचय कवि का परिचय पर ध्यान दीजिए। देखिए मैं वहां पढ़ती हूँ, आप पहले सुन लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, बाद में उसका अर्थ पर जाती हूँ, आप समझते समझते चले। कवि परिचय। भगवती शरण वर्मा, भगवती शरण वर्मा जी ने मातृभूमि कविता के कवि का नाम क्या है, भगवती शरण वर्मा। भगवती शरण वर्मा 1903 से 1981, इनका अवधि जो है 1903 से 1981। श्री भगवती शरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 को नाहा जिला उत्तर प्रदेश शफीपुर गांव में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद से बीए एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने विचार और नवजीवन नामक पत्रिकाओं के संपादन किया था। आकाशवाणी के कई केंद्रों में भी सेवा की है। उनके चित्र में का उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ। दूसरा उपन्यास बुले सारे चित्र साहित्य अकादमी से प्रस्तुत है। अपने खिलौने पतन तीन सरसर टेढ़ी मेरे रास्ता युवराज जोड़ा उपन्यास है। मेरी कहानियां मोर्चबंदी तथा संपूर्ण कहानियां ये कहानी संग्रह है। मेरी कविताएं सविनया और एक नजर कविता कविता संग्रह है। मेरा नाटक वसीयत नाटक है, ये रचना किया हुआ नाटक है। आदि उनकी अन्य लोकप्रिय कृतियां है। 5 अक्टूबर 1981 को वर्मा जी का देहांत हुआ। देखिए छात्र, भगवती शरण वर्मा जी ने कब जन्म लिया, उनका जन्म कब हुआ, 30 अगस्त 1903 को उनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ उनका जन्म, नावा जिला उत्तर प्रदेश के, नावा जिला में उत्तर प्रदेश के छपीपुरी गांव में हुआ है। छपीपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। आपका जन्म स्थल कैसा होता है, उनको भी जन्म स्थल होती है। और इतना ही नहीं, उन्होंने इलाहाबाद से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने क्या जो उपाधि प्राप्त कर लिया, डिग्री प्राप्त कर लिया हुए जो उनके बीए तक पढ़ाई की और एलएलबी तक उनके डिग्री का प्राप्त हुआ था। उनके पढ़ाई कहाँ तक हुई, बीए और एलएलबी उन्हें पढ़ाई किया था। उन्होंने विचार और नवजीवना, विचार और नवजीवना, विचार और नवजीवना नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। इतना ही नहीं छात्र, ये जो 2 पत्रिकाओं का संपादन किया है उनका नाम क्या है, संपादक रहे और संपादन किया है उनका नाम क्या है, विचार और नवजीवना, विचार और नवजीवना नामक
पत्रिकाओं का संपादन किया था, कब भगवती चरण वर्णन ने इंद्रावली में और कौन से क्षेत्र में एक कौन सा केंद्र में कार्य कर रहे थे? देखिए आकाशवाणी के नहीं केंद्र में, आकाशवाणी जो अपने घर में आए हुए रेडियो जो आप देखते हैं ने आकाशवाणी से सुना हुआ समाचार विचार हुआ सुनते हैं, इसी तरह से आकाशवाणी कई केंद्रों में भी आकाशवाणी के कई केंद्रों में दिल्ली केंद्र होते हैं, अलग अलग जो स्थान में जो केंद्र होते हैं वो केंद्रों में अनेक एक ही नहीं अनेक केंद्रों में उन्हें अपना सेवा किया है। किस क्षेत्र में? आकाशवाणी के क्षेत्र में उन्हें सेवा भी किए हैं। दो पत्रिका का संपादन भी किया है, साथियों ने आकाशवाणी केंद्र में अपने कार्य कर रहे थे। देखिए उनके चित्रलेखा उपन्यास, चित्रलेखा जो नाम का एक उपन्यास है, उन उपन्यास पर दो बार मतलब जो निर्माण हुआ है, दो बार मतलब निर्माण हुआ है। भगवती चरण कर्म जी के जो इस उपन्यास पर दो बार मतलब निर्माण हुआ है, चित्रलेखा चित्रलेखा जो नाम जो उपन्यास पर दो बार जो क्या हुआ है मतलब निर्माण हुआ है। दूसरा उपन्यास जो है भूले बिसारे चित्र, भूले बिसारे चित्र जो दूसरा है भूले बिसारे चित्र साहित्य अकादमी से प्रस्तुत है, दूसरा जो है भूले बिसारे चित्र साहित्य अकादमी से पुरस्कार है। अपने खिलौने वतन तीन सरसर टेढ़ी मेढ़ी रास्ते युवराज छोड़ा उनका उपन्यास है, ये सभी नाम उनका उपन्यास है। और मेरी कहानियां मोर्च बंदी तथा सुपुत्र निर्माण संपूर्ण निर्माण जो होता है कहानी संग्रह उनका कहानी संग्रह है। मेरी कविताएं सविनिया और ये नजर कविता ये उनका कविता संग्रह जो अनेक कविता जो लिखे हैं अनेक उपन्यास जो लिखा है और अनेक कहानी जो लिखा है उनका संग्रह जो होता है वो कहानी संग्रह उपन्यास संग्रह और कविता संग्रह कहते हैं। जी जैसे वे नाटक भी लिखे हैं, नाटक भी रचना किया है, नाटकों का नाम है मेरे नाटक और वसीयत दो नाम दो का नाटक है, नाटक भी लिखे हैं आदि उनके अन्य Thank you.
निकालना पड़ेगा। वे मातृभूमि को प्रणाम करते हुए उसमें विद्यमान अपार्वन संपादित खनिज संपत्ति का वर्णन करते हुए भारत के महान उद्योगों का स्मरण कराते हैं। इस कविता से भारत की महानता का परिचय प्राप्त होता है आपको। इसलिए जो देश प्रेम हमें इस कविता में दिखाई देती है, देश प्रेम नहीं है, देश प्रेम नहीं है, मातृभूमि को प्रणाम करते हुए उसमें विद्यमान अपार है, फिर भरा हुआ संपत्ति, जो ज्ञान जो बहुत है और वन संपत्ति भी है और खनिज संपत्ति भी है, और विद्यमान क्या क्या उनके साथ है हुआ है, और इतना ही नहीं भारत के महान व्यक्तियों को, भारत के रहने वाले महान व्यक्तियों का जो स्मरण उन्हें कराते हैं, उनका परिचय उन्हें कराते हैं, स्मरण याद कराते हैं, करा देते हैं बताते जाते हैं। इस कविता से भारत की महानता, इस कविता से भारत कैसा है, भारत का कैसा महान देश है, इसका परिचय भी आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जो ये अंक समुद्र पर में जो क्या क्या भरा हुआ है, जो कविता पाठ हम सुनना है, क्या हो रही है ना आपके मन में, तो हमें आगे देखिए, ध्यान से देख लीजिए। मैं कविता को पहले पढ़ती हूँ, आप सुन लीजिए, कविता के शब्दों को देख लीजिए, पंक्तियों को देख लीजिए, देखने के बाद में जो कल जो आते हो वे आप पढ़कर मुझे बताना ही होगा। मातृभूमि शशरद्वार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शशरद्वार प्रणाम, मातृभूमि शशरद्वार प्रणाम। तेरे मुख में शायद गांधी पुत्र और राम, मातृभूमि शशरद्वार प्रणाम। हरे भरे हैं ये सुहाने फल फूलों से युद्धवत उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, मुक्त हस्त को बांट रही है सुख संपत्ति धनधाम, मातृ को शत शत बार प्रणाम। ये कहा तुमने न्याय करता था दान दीप दूसरे हाथ में, जगत का रूप बदल दे के मां कोटि कोटि हम आज साथ में, गुंजते जय इंद्र नाद से सकल नगर अलग प्रणाम, मातृ को तुम्हारे मन में जो देश प्रेम का भाव जगा है, कभी इस कविता के बाद मातृभूमि का विशेषता बताते हुए भी उसका परिचय को तुम्हें कराते हुए ही तुम्हारे मन में, छात्रों के मन में, बच्चों के मन में क्या देश प्रेम का भाव जो जगा रहा है, देश प्रेम कैसा होना चाहिए, हम देश के लिए क्या करना चाहिए, हमारे देश हमारे के लिए सब कुछ किया है तो हम देश के लिए क्या करना चाहिए, ये सब विचारों को आप कभी ने अपने मन में जगा रहे हैं, तो हमें भी कविता पाठ के कविता के जो समाप्त समझ रहे हैं मतलब समझ रहे चलेंगे छात्र, जो कि देखिए पहाड़ी पंक्ति जो होती है मातृभूमि शशरद्वार प्रणाम, हे मातृभूमि, मातृभूमि मातृभूमि के जो अंदर हम पैदा हुए हैं, मातृभूमि के अंदर हम जी रहे हैं, उसके साथ रहा रहे हैं हम, मातृभूमि जो पर्यावरण हमारे भूमि के बिना हम जी नहीं सकते हैं, इसलिए
कौन सी भूमि को पहला मैं क्या करता हूँ शत शत बार प्रणाम करता हूँ। प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार, मैं तुझे प्रणाम करना नमस्कार कर रहा हूँ। अमरों की जननी तू, अमर तो है महान, जो महान जो विद्या महान जनों का तुम्हें क्या दिया है, जन्म दिया है इस भूमि पर, इस भूमि पर तुम्हें जन्म दिया है, तुम को शत शत बार प्रणाम। अमर अमर जो कितना है हमारे देश में है ना, उसमें जो तुम्हारा अमर लोगों को भी परिचित है करा रहे हैं पंक्तियों से, आगे की पंक्तियों को देखिए विचार करें। अमरों की जननी तू को शत शत बार प्रणाम, अमरों का जन्म तू दिया है जो माधु को तू को शत शत बार प्रणाम, माधु को शत शत बार प्रणाम, माधु को भी को और एक बार जो प्रणाम करेंगे तुमको शत शत बार प्रणाम, एक बार नहीं दो बार नहीं तुमको शत शत बार प्रणाम करेंगे। इस तरह आपने कहा है तेरे गुण में शायद गांधी बुद्ध और राम, माधु को तेरे गुण में जो तेरे छाती में तेरे गुण में जो कौन है तुम्हारा तेरे अंदर छाती में जो कौन है शायद जो भरे हुए हो वो गांधी है ना, ये अमर है ना गांधी जो भगवान देव हो गया है फिर भी वे हमारे जो ये मातृभूमि में हमारे देश में वे अमर है। सब कुछ जो छोटे देश है जो पढ़े जो नदी में पढ़ने वाले जो बच्चों को हमें कक्षा में एक ही कक्षा में पहले कक्षा में पढ़ने वाले जो व्यक्ति जो बच्चों को भी हमें उसके तस्वीर दिखाने तो ये कौन है इसके कहने पर तो कहते हैं ये गांधी जी है, ये गांधी पिता है हमारे देश के पिता है, इस तरह कहते हैं ना। लेकिन अभी नहीं अभी पीढ़ी बढ़ती जाती जाती समझ तो तुम ही उन्हें अमर कहा जाते हैं, इसलिए तुम्हें गांधी बुद्ध जैसा और राम जैसे अमरों को जो तुम्हारा जो उर्मे तुम्हारी छाती में ही वो एक रहे हैं तुम्हारा छाती में वो दिखाई दे रहे हैं, इस तरह का वे कहते एक बता रहे हैं है ना। माधु को भी तुमको सुख से शांति का संदेश देने वाले देश को खराब न रखने वाले देश में अच्छी अच्छी जो आदत डालने वाले ये सब गांधी बुद्ध राम तुम्हारे में है, इसलिए माधु भूमि तुमको शत शत बार प्रणाम करें। जो समझ में आ रही है छात्र उसमें कोई समस्या है ना, आगे चलेंगे हमें हरे भरे देख ले सुमन, हमारा मातृभूमि देखने में कैसे है हमारा आगे पीछे हमारा इधर उधर जो पर्यावरण में क्या दिखा रहा है जो हरा भरा है, इतना ही नहीं जो भारत जैसा जो देश है ये देश तो पूरा ही हरा भरा पूरा ही देश क्या है हरा भरा है, हमारे वन संपत्ति बहुत सारे है इस देश में, इसलिए हरे भरे देखे सुमाने से हमारे सुहाने हमारा पूरा ही देश जो हरा भरा भरा हुआ है हरा भरा से भरा हुआ है वन संपत्ति से भरा हुआ है, अनेक औषधीय पेड़ है हमारे देश में और वन संपत्ति है, इसलिए हमारे देश में जो जो बारिश जो आती रहती है इससे वन संपत्ति बढ़ती जाती है, इसलिए हमें भी वन संपत्ति बढ़ना चाहिए छात्र, तो वे कहती है हमें उसे नष्ट करते जाते हैं तो हमारे भी नियमों से हमसे क्या होता है पर्यावरण प्रदूषण से हमें क्या होती है तकलीफ हो जाती है बीमारी आ जाती है, इसलिए हमारा जो भारत भूमि जो वन संपत्ति से भरा है तो हमें उसे ही क्या करना चाहिए बढ़ाता जाना चाहिए।
ये और परंपरा के सुखाने हमारा चार और हमारा मातृभूमि कहाँ देखे उधर उधर आगे पीछे कहाँ देखे भी भी क्या दिखाई देती है अनेक हरे रंग देखिए जो कन्नड़ में कहते हैं अच्छा सीध इसका मतलब होता है अर्थ होता है अच्छा सीध खेत खेत जो कहते हैं फला सुहाने देखने में बहुत सुंदर लगते हैं देखने में बहुत सुंदर लगते हैं इतना ही नहीं फल फूलों से इतना मालूम हो इतना ही नहीं क्या होता है फल का पेड़ फूलों का पौधा ये सब जो क्या मिला है युद्ध वन उपवन वन छोटी छोटी वन बहुत बड़ा बड़ा वन होते हैं उपवन छोटे छोटे बाग बगीचा जो होते हैं उसमें हमें क्या मिलती है फलदार पेड़ों पौधे और फूलदार पौधे हमें बहुत सारे दिखाई देती है हमारा भारत भूमि के अंदर हमारे भारत भूमि के बीच में हमारे पर्यावरण में दिखाई देती है इतना ही नहीं देखिए छात्र मातृभूमि तुम्हें फल फूलों से युद्ध से भरा हुआ है इतना ही नहीं तेरे अंदर भरा हुआ है ये तो मातृभूमि के ऊपर ही मिलते हैं ना पेड़ पौधे वनस्पति उपवन ये सब फलदार फूलदार पौधे खेत हरे भरे पेड़ खेत सुहाने ये सभी मातृभूमि के ऊपर ही मिलते हैं ये मातृभूमि के अंदर अपना मातृभूमि के अंदर क्या क्या है खनिजों का अंदर जो हमने उत्तरण में पढ़े क्या क्या है खनिजों का कितना व्यापक धन खनिजों का बहुत सारा व्यापक धन तुम्हारे अंदर भरा हुआ है भूमि माता तुम्हारे अंदर खनिजों का संपद भरा हुआ है सोना चांदी जो जैसी हमें क्या सोना चांदी जैसी हमें पेट्रोल डीजल और हमारे जो बैठे का साधन बैठे तो वे क्या होते हैं लोहा तांबा ये सभी जो इससे अंदर है मातृभूमि के अंदर तेरे अंदर जो खनिजों का कितना व्यापक अध्ययन करा हुआ है धन व्यापक बहुत सारा इतना नहीं बहुत सारा व्यापक धन इतना ही कहने में उसका अंत नहीं होता है इतना ही तुम्हारा भरा हुआ है माता इसे तुम क्या किससे बांट रही है दूसरों को मुक्त हस्त से मुक्त जो होता है कनक का अंत तेरेगा हस्त कई हस्त जो कनक कहते हैं कई हस्त कहते हैं मुक्त हस्त से तुम्हें जो मुक्त हस्त से बांट रही है सबको सभी को बांट रही है अच्छा बुरे लोगों को नहीं अच्छे काम के लिए नहीं बुरा काम के लिए सभी कामकाज के लिए सभी कार्य के लिए तुम्हें क्या कर रही है बांट रही है अपने मुक्त हस्त से अपने मुक्त हस्त से तुम्हें क्या कर रही है सभी को बांट रही है मातृभूमि मुक्त हस्त तो बांट रही है सुख संपत्ति धनदान मुक्त हस्त तो बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम को तुम्हें बांट रही है मातृभूमि तुमको शरशत बात करना मातृभूमि तुमको शरशत बात करना अमरों की जननी तुमको शरशत बात करना सुख संपत्ति धन धाम तुम्हें मुक्त हस्त से बांट रही है सबको तेरे अंदर भरा हुआ खनिजों का बांट रही है और सुख संपत्ति भी तुम्हें बांट रही है हमें धन वाले संपत्त वाले बहुत सारे हमारे देश में भरा हुआ ना इसलिए हमें सुख संपत्ति करना को भरा मातृभूमि के चरित्र द्वार प्रणाम मातृभूमि चरित्र द्वार प्रणाम अमरों की जननी तुमको चरित्र द्वार प्रणाम ये कहा तुम्हें न्याय पता का मुझे पंक्ति के बोल करेंगे छात्र तो हमें ये कहा तुम्हें न्याय पता का तुम्हें तुम्हारे किताब में रहने वाली जो चित्र में देखिए
छात्र तो उसके नसीब में दिखाई पड़ती है, लेकिन ये कमाल में जो क्या पकड़ रही है महात्मा ने न्याय पता का, एक हाथ में न्याय देने वाले पता का, हमारा देश का जो पता का है वो एक हाथ में पकड़ रही है। ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, ज्ञान दीप जो है ये दूसरा हाथ में ज्ञान दीप पकड़ रही है, ज्ञान दीप जल रहा है। यदि भारत भूमि के हाथ में, भारत भूमि के चित्रों में तस्वीरों में आप दिखा रहे हैं ना, जो एक अक्षर में जो पताका पकड़ रही है, दूसरा अक्षर में जो क्या है ज्ञान दीप का दिखाई दे रही है। जगत का रूप बदलने के मां ये न्याय पताका से और अपना ज्ञान दीप से तुझे क्या करना है, ये जगत का रूप जो होता है जो दुश्मन को, जो दुश्मनों का आक्रमण का रूप होता है, दूसरों को अपने तकलीफ होना है, दूसरों को हमसे जो समस्या होना है, ये को रूप को तुम्हें बदल दे, हमारा जगत को तुम्हें बदल दे, माँ बदल दे, ये माँ माता को बदल देना चाहिए। हम आज तुम्हारे साथ कितने लोग हैं, कोटि कोटि लोग हैं तुम्हारे साथ, लोग कितने हैं, कोटि कोटि लोग हैं हमारी जनसंख्या, कितना है हमारे देश का, कोटि कोटि जनसंख्या है हमारे देश का, हम तुम्हारे साथ कितने हैं, कोटि कोटि है हमारे साथ। गुंज उठे जय हिंद नाद से, गुंज उठे जय हिंद नाद से, गुंज उठना चाहिए, जो फैलना चाहिए, क्या फैलना चाहिए, जय हिंद नाद, जय हिंद नाद जो है वे चारों तरफ जो एक एक कोने में भी वे गुंज उठना चाहिए, क्या नाद, जय हिंद नाद, मातृभूमि को जय, भारत माता का जय, इस तरह का जो नाद जो है, शब्द जो है वे क्या होना चाहिए, गुंज उठना चाहिए, गुंजना इसका कर्ण अर्थ होता है मुड़गली, भारत माता की जय का जो शब्द जो है, आवाज जो है वे क्या होना चाहिए, जय हिंद का नाद सभी तरह जो गुंज उठना चाहिए, तो कितना कहां कहां गुंज उठना चाहिए, सकल नगर और गांव, सकल नगर और गांव में गुंज उठना चाहिए, मातृभू तुमको शत शत बार प्रणाम, मातृभू तुमको शत शत बार प्रणाम, मातृभूमि को हजार बार प्रणाम करते हुए जो कवि ने इतना अच्छी तरह तुम्हें मातृभूमि का जो कविता लिखे है, देखिए छात्र इसमें तुम सब पंक्तियों में समझ गया आ गया ना, देखिए और एक बार ये मातृभूमि का जो कविता पढ़ती हूँ, एक कविता जो आपके लिए कंटेस्ट के लिए, इसलिए आप सही रूप से अर्थ कर मतलब समझते समझते ही जो समझ लेने कर इसके रट कर आना है और पढ़ना ही चाहिए। देखिए मातृभूमि चर्चित बार पढ़ा, अमरों की जननी तुमको चर्चित बार पढ़ा, मातृभूमि चर्चित बार पढ़ा, तेरे मन में शायद गांधी बुद्ध और राम, मातृभूमि चर्चित बार पढ़ा, हरे भरे कई खेत सुहाने, फल फूलों से युक्तवर उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक तन, मुक्त हस्ती को बांट रही है सुख संपत्ति फलदा, मातृ को शश्वत पाठना, एक हाथ में न्याय पता का ज्ञान दीप, दूसरे हाथ में जग का रूप बदलने के मां, कोटि कोटि हम आज साथ में, गुंज उठे जय हिंद नाद से, सकल नगर देखिए छात्र पूरा आपको समझ में आ गया है ना, देखिए यहाँ पे आने वाले शब्दों का अर्थ याद रखिए, शायद सोया हुए अमर मृत्युनि बिना जो कभी भी उनका मरण नहीं हो सकता है, अस्का आप कहते हैं सुहाने सुंदर दाम दाम जो घर गुंजना जो प्रतिध्वनि होना चाहिए, प्रतिध्वनि होना चाहिए, ये सब अर्थ समझ देने चाहिए, बहुत ही सरल रूप से है कविता, इसलिए आप अच्छी तरह घर जाकर और दो तीन बार पढ़ लिए तो तुम्हें पूरा ही समझ में आ जाएगा, छात्र तुम्हें मेरे साथ अच्छी तरह बैठ कर कविता पाठ सुने हैं समझ लिए हैं, इसलिए मेरी तरफ से तुमको धन्यवाद।